तो हेलो गाइस, आप कैसे, उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। गाइस क्या आपको भी विड्रॉल लेने में कोई दिक्कत आ रही है? क्यूटेक्स की तरफ से आपको भी बोला जा रहा है कि सेल्फी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप विड्रॉल ले सकते हो। क्या पूरी प्रोसेस मैं आपको पूरी बताने वाला हूं इस वीडियो में। गाइस उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लेना। और क्यूटेक्स में जिसका भी अकाउंट है जाकर अकाउंट बना लेना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पर हर रोज जो है आपको सिंगल पोस्ट करते रहता हूँ एडवांस पे, वहाँ से अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो मेरा सिग्नल को फॉलो करके। गाइस ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पूरी बात जो इसमें आखिर प्रोसेस क्या है। गाइस देखो, गाइस मैंने जब विड्रॉल करने के लिए गया था तब मेरे पास में एक मेल आया था, मैं आपको वो मेल दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ठीक इस तरह का मैसेज आया मेरे पास में। ठीक है, तो यहां पे बोला जाए टेम्पोरी आपका आईडी जो है सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, आप विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। उसका कारण यह है कि आपको सबसे पहले क्या सेल्फी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा एक आईडी के साथ में, उसके बाद ही आप जो है विड्रॉल ले सकते हो। गाइस यहां पे क्यूटेक्स की तरफ से बोला जा रहा है। गाइस ये चीज क्यों बोला जा रहा है, गाइस आपको पता होगा जब आप छोटी कोई अमाउंट से लेके कोई बड़ा अमाउंट कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी कंपनी को डाउट होता है कि ये अमाउंट इनका आईडी है या नहीं, इसलिए वो वेरीफाई करने के लिए ये मैसेज करते हैं, आपका विड्रॉल जो है रोक देते हैं। गाइस ठीक है, काफ़ी लोग जो है इसमें से घबरा जाते हैं कि मेरा विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा। गाइस इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस अगर आप लोगों का भी विड्रॉल अगर रुक गया है या अटक गया तो आप मुझे सिंपली जो है टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हर चीज़ का समाधान कर दूंगा। गाइस ठीक है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ठीक आपको ठीक इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको एक आईडी कार्ड के साथ गवर्नमेंट आईडी कोई भी आईडी या पेन कार्ड या आधार कार्ड या पासवर्ड कुछ भी अगर है वो वाला लेके एक सादा पेज में लेके उसके बाद में आओगे क्यूटेक्स लिखने के बाद आपको सिंपली उस दिन का डेट जिस दिन आप अपलोड कर रहे हो उस दिन का डेट एक सिग्नेचर के साथ में आपको अपलोड करना है दोनों हाथ के साथ में। ये चीज दिखा जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है सेल्फी पे, उस तरह से आपको सेल्फी लेके वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और आपको डिटेल्स में हर एक चीज़ दिखना चाहिए, आपका एड्रेस नाम वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए। ये आपको अपलोड अगर करते होगा उसके बाद में आपको 2 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाए तो उसके बाद आप विड्रॉल आसानी से ले सकते होगा। इस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैंने विड्रॉल जो लिया है विड्रॉल आया या नहीं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने विड्रॉल को जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया, उसके अपलोड करने के बाद में थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मेल आता है जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड हो चुका है। गाइस ठीक है, वहाँ से मेल आ रहा है आने के बाद में। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बार विड्रॉल लिया था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, जो कि 14,000 का था जो मैंने विड्रॉल ले चुका था एक बार। उसके बाद में मैंने एक बार 9,000 का लिया था, उसके बाद में देखो यहाँ पे मैंने 49,000 का डिपॉजिट किया था। उसके बाद में जब मैंने विड्रॉल जब लेने के लिए कोशिश किया था उसके बाद में मुझे वो मैसेज आया था जो आपको जो सेल्फी वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। सेल्फी वेरिफिकेशन मैंने देने के बाद में उसके बाद इजीली जब मैंने फिर से जो विड्रॉल जब मैं डाला 58,000 का, उसके बाद मेरे अकाउंट में जो 58,000 जो सिंपली आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस अगर आप लोगों को भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको हर एक चीज़ का मदद कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइस ठीक है, और गाइस एक चीज़ का आप लोग हमेशा याद रखना, जो न्यू पर्सन है जिसे कुछ भी नहीं पता है वो जब KYC अपना खुद का कर रहे हैं तो गाइस एक बार केयरफुली KYC कर लेना। एक बार देखो KYC करने के सिंपली है तो इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करो ठीक आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखो गाइस यहाँ पे आपको अपना निक नेम यहाँ पर डाल देना, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ठीक है यहाँ पर करंती जो है, ठीक है यहाँ पे देखो आपको एड्रेस टाइप करना। गाइस एड्रेस में कोई भी चीज स्पेस मत देना, यही बात का ध्यान रखना, कोई भी स्पेस आप नहीं देना, डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस डाल देना। उसके बाद देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए बोला जाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, एड्रेस को फिल करने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सिंपली कर लेना। अगर कुछ लोग क्या होते हैं इसमें घबरा जाते हैं कि मेरा विड्रॉल अटक गया, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाइस ये कंपनी काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है, 2-3 सालों से ये कंपनी चल रही है मार्केट पे, और ये फॉरेनर कंपनी गाइस इस तरह के प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे हैं। तो ये देखो ये एक रूल्स होता है गाइस, अगर आपका अकाउंट कोई अगर हैक कर लेता या कुछ कर लेता तो कंपनी की तरफ अच्छी है ना, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स आप ही अपलोड कर सकते हो, कोई और आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर सकता। ये इसमें क्या होगा आपकी सेफ्टी है गाइस। ठीक है, और देखो गाइस जिसको भी क्यूटेक्स में अकाउंट बनाना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, क्यूटेक्स में अकाउंट बना लेना। मैं हर दिन जो है सिग्नल प्रोवाइड करते रहता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा ये टेलीग्राम चैनल जिसका नाम ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफिशियल है, यहाँ पे अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो हर रोज मैं सिग्नल पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है यहाँ पे हजारों फीडबैक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हजारों फीडबैक आपको देखने में जाकर चेकआउट कर लेना। आज भी मैंने जो सिग्नल पोस्ट किया था यहाँ पे देखो 8 सिग्नल मैंने पोस्ट किया था, 8 सिग्नल जो यहाँ पे देखो सबकी सब विन हो चुका है। और हर रोज यहाँ पे देखो सिग्नल पोस्ट करते रहता हूँ, हर दिन यहाँ पे विन करते हैं लोग। तो आप भी जाओ जाके अपना अकाउंट बना ला क्यूटेक्स में, जाके आप
अर्निंग कर सकते हो मेरे साथ जुड़ के। गाइस यहाँ पे देखो, अभी आज अगर डिपॉजिट अगर करते हो तो मंडे तक एक ऑफर चल रहा है गाइस यहाँ पे 100% डिपॉजिट करने का, ठीक है। तो आप जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करोगे उसका 100% आपको बोनस के तौर पर मिलने वाला है, ठीक है। ये मंडे से पहले आपको करना है गाइस, ठीक है। आप लोग कर लेते हो तो आपको अच्छी खासी अर्निंग होने वाली गाइस, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद है। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी जो आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।